सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फ्रेम स्लाइडर्स कैसे लगा सकते हैं। आरएस में फ्रेम स्लाइडर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी बाइक से, क्योंकि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऐसे बोल्ट वगैरह नहीं है जहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो ये वाली प्लेट दिख रही है, ये प्लेट अंदर फिटिंग करनी पड़ती है, उस प्लेट के ऊपर आपका ये फ्रेम स्लाइडर आता है। तो इस साइड का भी फिटिंग है, मैं अपोजिट साइड में आपको दिखाता हूँ फिटिंग कैसी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पोर्शन ओपन करना पड़ेगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन। इसके लिए आपको 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 और 6, ये 6 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे तो ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा। मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ के ये सारे नट निकाल दिए और ये पूरा पोर्शन आ गया बाहर। अब इसके बाद आपको इसके टॉप से ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे खींचना है, ताकि यहाँ पे जो हमारा ये है प्लेट, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी यहाँ पे अंदर इस तरीके से, और ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये लगेगा इस पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे, इधर से देखा तो आगे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बॉडी, ये वाला पोर्शन भी कवर कर लेगा ये इसको। तो सबसे पहले इसको हम इस पे फिट कर देते हैं। ये मेटल प्लेट, इसके ऊपर मैंने फ्रेम स्लाइडर पहले से फिट कर रखा है, इन दो नट की मदद से ये फ्रेम स्लाइडर अंदर लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पोर्शन थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है, ये पूरा पोर्शन आपको थोड़ा आगे की तरफ खींचना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला नट ओपन करना पड़ेगा, मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ से जितने भी नट आपको दिखते हैं, हाँ बट ऐसे दिखा तो सकता हूँ ना, सारे नट आपको ओपन करने पड़ेंगे और नीचे से 1, 2 एक ये वाला नट है, एक यहाँ नट है, एक ये है और एक वो अंदर है। तो ये नट ओपन करने के बाद एक नट और होता है जो कि बच जाता है, जो ओपन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं इतने में अपना काम निपटा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये हिस्सा बाहर आ चुका है ऑलमोस्ट, अब मैं इतने में ही काम कर लेता हूँ अपना हिस्सा डाल। तो गाइस ये दो जगह है, तो ये प्लेट जो है वो उसी अकॉर्डिंग बनाई गई है कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे फिट हो जाए। तो ये दो नट्स हमें यहाँ पे लगाने होंगे, एक इधर और एक इधर। अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। सो गाइस ये नट ऑलमोस्ट टाइट हो चुके हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये इतने अच्छे से टाइट हो चुका है कि इसे मैं पूरी ताकत से हिला रहा हूँ, बट नहीं हिल रहा, बाइक हिल रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों नट्स लगा चुके हैं, लग चुका है और अच्छे से मेक श्योर कि आप अच्छे से टाइट करो, बिकॉज जब भी आपकी बाइक ऐसा भगवान ना करे हो बट कभी भी गिरे तो सारा वेट इस पे आए, तो कुछ हो ना इसको, मतलब ये बेशक से ये टूट जाए पर बॉडी को कुछ ना हो, और ये इतना टाइट होना चाहिए कि बॉडी को संभाल ले घिसने के बाद। तो अब बस कुछ नहीं है, अब इसको टाइट करते हैं। हम इस साइड का फिट करेंगे जो कि है लेफ्ट साइड का, तो बोल्ट्स यहाँ लगेंगे, ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये रहा फ्लेम स्लाइडर, बॉडी वापस आ जाएगी ऐसे। तो अब हमें करना क्या है, बस यहाँ पे नट्स लगाने हैं, एक इधर और एक इधर। अब फ्रेम स्लाइडर लग चुके हैं एंड बॉडी पूरी रैप कवर हो चुकी है, ये सारे नट लग चुके हैं एंड एट लास्ट फ्रेम स्लाइडर्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो जो ये वाला पोर्शन है ये बॉडी के इस पोर्शन को बचा लेते हैं गिरने से, सेम आप इस साइड भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है।